हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लेडीज़ जूतियाँ बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजीली बन जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके की मैंने ये बनाई है, ग्रे कलर से बनाई है मैंने ये जूतियाँ। ये जूतियाँ आप जब पहनेंगे तो ये पैर पर खसकती नहीं है, यानी कि ढीली नहीं पड़ती है और बिल्कुल ही फिट बैठती हैं। ये 6 नंबर के पैर के लिए मैंने बनाई हैं। अगर आप इसे थोड़ी छोटी बनाना चाहते हैं तो 3 से 5 फंदे कम कर सकते हैं। आप इस जूतियों को अपने लिए, अपनी मॉम के लिए और अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस खूबसूरत जूतियों को बनाना। 61 फंदे मैंने लिए हैं सिलाई पे और मैंने ये फैंसी फंदे डाले हैं। अगर आप प्लेन फंदे डालना चाहते हैं तो प्लेन फंदों से भी आप इसे बना सकते हैं। ये वाले फंदे डबल डाले जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने रॉन्ग साइड की रो को बिन लिया है उल्टा। 9 नंबर की सिलाई पे हम इसे बनाएंगे। पूरी ही जूती में 9 नंबर की सिलाई पे बनाऊंगी। तो फर्स्ट रो हम बॉर्डर की बिनेंगे, राइट साइड से हम शुरू करेंगे और रो को सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनें लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर हम फर्स्ट रो सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। रो सेकंड आ गई है, रॉन्ग साइड की रो है। पूरी ही रो को हमको फिर से सीधा ही बिनना है। जो हम बॉर्डर बिनेंगे 6 रो का, उसे हमें दोनों तरफ से सीधा बिनना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। तो सेकंड रो रॉन्ग साइड की सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से देखिए, पूरी ही रो को हम सीधा बिनेंगे तो राइट साइड से उल्टे फंदे आ जाएंगे। कंप्लीट कर लेते हैं, रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर हमने अपनी सेकंड कलर को अटैच कर लिया है और हम इससे अब थर्ड रो राइट साइड का सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अगर आप सेकंड कलर नहीं लगाना चाहते हैं सेंटर में, तो आप जिस कलर से भी बना रहे हैं उसी से 6 रो का बॉर्डर बना लीजिए दोनों तरफ सीधा बिनते हुए। लेकिन मैं यहाँ पर एक वाइट कलर की रो बीच में दूंगी, तो मैंने वाइट कलर पर सीधा बिन रही हूं मैं। इस तरीके से देखिए, और रॉन्ग साइड की जो रो आएगी हमारी, उसको भी हम सीधा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। रो 4 हमारी रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे, फिर रो 5 हमारी राइट साइड पे ग्रे कलर से हम सीधा बिनेंगे और रो 6 रॉन्ग साइड से सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 6 रो बॉर्डर बनाना है, तो यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 6 रो बना लिए, 2 ग्रे कलर से, 2 वाइट से, फिर 2 ग्रे कलर से। तो 6 रो बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से जूती को शेप देंगे और वाइट कलर को कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हम 30 फंदे सीधे बिनेंगे, 30 स्टिच हमारे सीधे बिने जाएंगे। फंदे हम सीधे बिनते हुए पहुंचेंगे सेंटर में। इस तरीके से देखिए, सेंटर में पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 30 स्टिच सीधा बिन लिया है और हम सेंटर पे हैं। अब हमारे इस तरफ 31 फंदे हैं, इस तरफ 30, तो हमारा जो सेंटर का एक फंदा है इस पर हम जाली बनाएंगे। अब 30 हमारे इधर रह जाएंगे और 30 इधर, बीच का एक सेंटर का फंदा एक सीधा, एक जाली बनाएंगे, एक फंदे को सीधा बिनेंगे सेंटर वाले को, फिर से एक जाली बनाएंगे और 30 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 61 फंदे हैं, 30 30 फंदे हम सीधे बिनेंगे और सेंटर के फंदे पे हम एक एक जाली बनाएंगे। तो रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की रो पे हैं। रॉन्ग साइड की रो हमारी उल्टी ही बिनी जाएगी। अब हम जो रो बिनेंगे वो सीधा और उल्टा ही बिना जाएगा, यानी कि जो 30 30 फंदे हमारे दोनों तरफ हैं वो सीधे राइट साइड से बिने जाएंगे और रॉन्ग साइड से हम उन्हें उल्टा ही बिनेंगे। तो यहाँ पर हम रॉन्ग साइड की रो बिन रहे हैं और उल्टा बिनकर सेंटर पर पहुँचेंगे। सेंटर पर जहाँ पे हमें जाली हमने डाली है वहाँ पर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहुँचते हैं उल्टा बिन के। तो यहाँ पे देखिए, हमने फंदे बिन के उल्टे हम पहुँच गए हैं सेंटर में। 30 फंदे यहाँ पे मैंने उल्टे बिने हैं। अब देखिए, ये वाला फंदा, 2 जालियाँ हैं और एक फंदा हमारा सेंटर का है। तो अब हम यहाँ से अपना डिज़ाइन को शुरू करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बिनेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बिनेंगे। ये हमने राइट साइड से सीधा बिना था, रॉन्ग साइड से भी हम इसे सीधा ही बिनेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और जाली वाले इस फंदे को हम उल्टा बिनेंगे।
तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, हमने तीन फंदे बिने। अब हम 30 फंदे उल्टे बिनेंगे। इस तरीके से देखिए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम 30 फंदों के बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिना, अब ये वाले 30 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। यहाँ पर हम पहुँचेंगे, ये देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली है, राइट साइड पर है, और राइट साइड की अब हम 30 फंदों को 30 स्टिच को हम सीधा बिनते हुए सेंटर पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमें जाली को बनाना है। देखिए इस तरीके से बिनते हुए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जाली बनाएंगे हम, तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने फंदे बिन लिए हैं 30 अपने, और अब हम जाली को बनाएंगे। अब देखिए हमें जाली कैसे बनानी है। अब हमारा राइट साइड पे ये 2 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे और सेंटर का फंदा हमारा सीधा बिना जाएगा। ये फंदे जो हैं हमारे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिना, तो हमें इस तरीके से अब जाली नहीं डालेंगे, इस तरीके से डालेंगे तो ये फंदा सीधा आएगा। हम जाली को इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा जो ये वाला फंदा है वो उल्टा आएगा। फिर बीच का फंदा हमें सीधा बिनना है, फिर एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे इस तरीके से, और फिर से हम जाली को ऊन पीछे ले जाते हुए इस तरीके से डालेंगे। फिर 6 फंदे हम, 30 फंदे हम सीधे बिनेंगे। जो हमारे सेंटर पे पैटर्न बनेगा उसका हम जो फंदे हम जैसे बिनेंगे उसके अपोजिट फंदों को बिनना है। तो रो कंप्लीट कर लेते हैं। रो कंप्लीट करके हम यहाँ पर पहुँचेंगे, देखिए जहाँ पर जाली है। कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने राइट साइड की रो भी कंप्लीट कर ली है और रॉन्ग साइड की रो को भी हमने 30 फंदे बिनने, ये देखिए राइट साइड 30 फंदे बिने, फिर रॉन्ग साइड 30 फंदे बिने। अब हम जाली के पास पहुँच गए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारे बीच में कितने फंदे हो गए, 5 फंदे हो गए हैं। एक फंदे के हमने 5 फंदे बना लिए। अब हमें जो फंदा सीधा है उसे उल्टा बिनना है, जो उल्टा है उसे सीधा बिनना है। पहला फंदा हमारा उल्टा है तो अब हम इस पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर सीधे फंदे को उल्टा, फिर उल्टे फंदे को सीधा, और फिर सीधे फंदे को उल्टा, और फिर उल्टे फंदे को सीधा बिनेंगे। तो हमारा ये पैटर्न इसी तरह अपोजिट फंदों पर बिनता हुआ कम्प्लीट होगा। देखिए पहला फंदा उल्टा था तो हमने इसे सीधा बिना, दूसरा फंदा सीधा था तो हमने इसे उल्टा बिना, तीसरा फंदा हमारा उल्टा था इसे सीधा बिना, चौथा फंदा हमारा उल्टा था सीधा था इसे उल्टा बिना, और पांचवा फंदा हमारा उल्टा था इसे सीधा बिना। अब ऊन अपनी तरफ करते हुए हम 30 फंदे उल्टे ही बिनेंगे। तो हमारा जो सेंटर का पैटर्न चलेगा, डिज़ाइन जिसमें हम बना रहे हैं, वो अपोजिट फंदे बिनते हुए चलेंगे। रो कम्प्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रॉन्ग साइड की रो को कम्प्लीट कर लिया। अब हम फिर से राइट साइड की तरफ आ गए हैं। राइट साइड के हम 30 फंदों को सीधा बिनेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको जाली तक पहुंचेंगे बिनते हुए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने 30 स्टिच 30 फंदे सीधे बिन के हम अब जाली पर फिर से पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए 5 फंदे हैं हमारे, फिर से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे एक एक दोनों तरफ। तो अब हम जाली कैसे डालेंगे, अब हम इस तरीके की जाली डालेंगे। और ये वाला फंदा हमारा देखिए, अब हम मैं बता देती हूँ, ये उल्टा ये सीधा, ये उल्टा सीधा। अब देखिए ये सीधा ये उल्टा ये सीधा ये उल्टा और फिर ये सीधा, यानी कि जो सीधा फंदा है उसे उल्टा बिनेंगे, जो उल्टा फंदा है उसे सीधा बिनेंगे। पहले हम इस तरीके से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे, फिर ये देखिए सीधा फंदा है हमारा इसे हम उल्टा बिन देंगे, फिर ये देखिए उल्टा फंदा है इसे सीधा बिन देंगे, फिर ये देखिए सीधा है इसे उल्टा, फिर उल्टे फंदे को सीधा, फिर सीधे फंदे के लिए हमें एक जाली बनानी है और 30 फंदे हमें सीधे बिन लेने हैं। तो यहाँ पर हम फंदों को बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ एक एक जाली बना के। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 जालियाँ बना ली हैं, 3 जाली बना ली हैं और 7 फंदे हमारे हो गए हैं सेंटर में। अब देखिए ये देखिए 3 जाली बनाई, देखिए 1, 2 और 3, ये देखिए तीसरी जाली हमने अभी डाली। अब हमें यहाँ पर 12 जाली तक बनाना है। 30 30 फंदे हमारे सीधे और उल्टे ही चलेंगे, बीच में हमारे 25 फंदे बढ़ जाएंगे, यानी कि एक फंदे के हमें 25 फंदे बना लेने हैं। 24 फंदों को हम बढ़ाएंगे, 12 इधर बढ़ाएंगे और 12 इधर बढ़ाएंगे, तो बीच में हमारे 25 फंदे आएंगे। 25 स्टिच सेंटर में आएंगे, 30 स्टिच हमारे राइट साइड की नीडल पे और लेफ्ट साइड की नीडल पे हमारे 30 स्टिच आएंगे। टोटल हमें 12 जालियाँ डालनी हैं और हमें यहाँ पर टोटल 85 फंदे बना लेने हैं।
तीस तीस साठ, और बीच में हमारे 25 फंदे प्लस कर देंगे तो हमारे 85 85 स्टिच हो जाएंगे। 30 प्लस 30 प्लस 25, तो 85 स्टिच हमारे कंप्लीट होंगे। 12 जाली पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे 12 जालियों तक हमने बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने सीधा उल्टा ही बिना है, ये देखिए सीधा सीधा बिना है, रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बिना है। बीच में हमारा देखिए इस तरीके का पैटर्न आया है, अपोजिट फंदे बिने हैं हमने, सीधे को उल्टा उल्टे को सीधा, तो हमारा ये पैटर्न खूबसूरत सा बन के तैयार हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमने 85 फंदे बना लिए हैं, 25 फंदे हमारे सेंटर के। अब देखिए जाली कितनी बनाई है, 12 जाली 12 जाली बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 जाली बनाई है, 12 जाली बनाई है, और 30 फंदे इधर 30 फंदे इधर, और बीच में 25 फंदे हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पर 85 स्टिच कंप्लीट हुए हैं। सेंटर के फंदों को गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 25। 25 हमारे सेंटर में है, 30 30 हमारे दोनों कॉर्नर पर हैं, ये यहाँ पर 30 और 25, 85 स्टिच हमारे कंप्लीट हो गए। यही 85 स्टिच हमारे अब लास्ट तक रहेंगे। हमें यहाँ पर एड़ी की शेप देनी है, इस तरीके से गोलाई देनी है। अगर आप इसे सीधा सीधा बिनेंगे तो यहाँ पे आपकी नोक निकल जाएगी और आपकी जो जूती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो हमें एड़ी की शेप देने के लिए फंदों को घटाना है। टोटल हमारे ये फंदे इतने ही रहेंगे, 85 से हमारा कोई भी फंदा कम नहीं होगा। हम राइट साइड से फंदों को बढ़ाएंगे लेकिन रॉन्ग साइड से हम उन्हें घटा भी देंगे, तो जो बढ़ेंगे वो घट जाएंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पर इतने ही रहेंगे। राइट साइड की रो हम बिन रहे हैं, पूरी ही रो को हमें यहाँ तक सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 30 फंदे सीधे बिन के कंप्लीट कर लिए। अब हम फिर से एक जाली बनाएंगे और फिर हम देखिए वही करेंगे, उल्टे फंदे को सीधा बिन देंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिन देंगे, उल्टे फंदे को सीधा बिनेंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिनेंगे। तो ये जो हमारा सेंटर का पैटर्न चल रहा था ये सेम ही चलेगा। फंदे हमारे अब इतने ही रहेंगे, अब इससे ना घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो हम राइट साइड से बढ़ाएंगे फंदे वो रॉन्ग साइड से घटा देंगे। तो हमारे इतने ही फंदे अब कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर हम पहुँचेंगे, देखिए हम कॉर्नर पर पहुंच गए हैं। लास्ट ये जो हमारा डिज़ाइन का लास्ट फंदा है सीधा बिना जाएगा, फिर एक जाली पड़ेगी और बाकी के जो हमारे 30 फंदे हैं ये सीधे ही बिने जाएंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं इन्हें हम इस तरीके से सीधा बिनते हुए यहाँ पर। अब हम देखिए रॉन्ग साइड पे, अब हमें इसे गोलाई देनी है, शेप देनी है एड़ी की। तो हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे और ये जो दो फंदे हैं इन दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, यानी कि दो फंदे हम एक साथ जब बिन देंगे तो हमारा एक फंदा घट जाएगा जो हमने राइट साइड में बढ़ाया था। फंदे हमारे सेम रहेंगे, बस हमको जो राइट साइड में हम बढ़ाएंगे वो रॉन्ग साइड में घटा देंगे, तो हमारे टोटल फंदे उतने ही रहेंगे। पूरी ही रो को हमें उल्टा बिन लेना है लास्ट कॉर्नर तक। यहाँ पर हम आएंगे कॉर्नर पर बिनते हुए, कंप्लीट करते हैं। देखिए हमने पूरी रो बिन ली है, अब हमारे लास्ट में तीन फंदे बचेंगे। तो इन तीन फंदों को हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, ये जो दो फंदे हैं इन्हें हमें एक साथ बिन देना है और लास्ट के फंदे को हमें उल्टा ही बिन देना है। राइट साइड में हमारा सेम जाएगा, यानी कि जो हमारे सीधे फंदे हैं वो सीधे ही बिने जाएंगे, ये वाले फंदे ये हमारे पूरे सीधे बिन के ही कंप्लीट होंगे। इनमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सीधा बिनते हुए हमें जाली तक पहुँचना है, यहाँ तक। तो यहाँ तक पहुँचते हैं, देखिए हम जाली तक पहुँच गए हैं। अब हम देखिए यह हमारा सीधा फंदा आ रहा है, तो हमें ऐसे जाली नहीं बनानी है। यहाँ पर देखिए हमें जाली को इस तरीके से बनाना है ताकि हमारा ऊन आगे की तरफ आ जाए। एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, जो सीधा है उसे उल्टा बिन देंगे, जो उल्टा है उसे सीधा, जिस जो उल्टा है सीधा, जो सीधा है उसे उल्टा बिनते हुए ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अपना पैटर्न जैसा हम बिन रहे थे। यहाँ तक पहुँचेंगे हम जाली तक। तो ये हमने यहाँ तक देखे कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से एक जाली डालेंगे और बाकी के हमारे जो सीधे फंदे हैं उनको हम सीधा बिनते ही बिनकर कंप्लीट करेंगे, लास्ट तक आएंगे हम बिनते हुए। यहाँ पे देखिए हमने राइट साइड की रो बिन लिया है, अब हम रॉन्ग साइड की रो की तरफ हैं। रॉन्ग साइड पे हमें
फंदे को घटाना है तो पहला हम स्लिप करेंगे, दो फंदों को हम एक साथ बिन देंगे, यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। फिर हमारे जो सेंट बीच के जो जितने फंदे हैं वो सेम जाएंगे, यानी कि उल्टे फंदे हमारे उल्टे बिने जाएंगे और पैटर्न के हमारे सेम पैटर्न की तरह बिने जाएंगे। फिर उल्टे फंदे बिनते हुए कॉर्नर तक पहुँचेंगे, कॉर्नर पर पहुँच गए, तीन फंदे बचे हैं, देखिए उल्टे बिने। अब तीन फंदों में से दो फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे और लास्ट का फंदा हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। राइट साइड फिर से आ गई है, सेम बिनेंगे, जो सीधे फंदे हैं उन्हें हमें सीधा ही बिन लेना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। तो सीधा फंदे हम बिनते हुए जाली तक पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें जाली बनानी है वहाँ तक हम सीधा बिनते हुए आएंगे। देखिए यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएंगे हम, देखिए हम जाली तक पहुँच गए, एक जाली बनाएंगे। अब ये हमारा उल्टा फंदा है तो हम इसे सीधा बिन देंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिन देंगे, उल्टे फंदे को सीधा बिन देंगे, सीधे फंदे को उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ कॉर्नर तक पहुँचेंगे, इस जाली तक पहुँचते हैं यहाँ पर बिनते हुए हम। देखिए हम जाली तक पहुँच गए हैं, फिर से हम एक जाली बनाएंगे और जो हमारे सीधे फंदे हैं इन्हें सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, रॉन्ग साइड की रो आ गई है हमारी। अब हम यहाँ पर फिर से पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये जो फंदे हैं देखिए यहाँ पर हम इन दो फंदों को एक साथ बिन देंगे इस तरीके से, और बाकी के फंदे हमारे सेम बिने जाएंगे। लास्ट कॉर्नर तक हमें सेम बिनते हुए आना है, जो जैसे फंदे उन्हें वैसे ही बिन देना है, पैटर्न वाले फंदे को पैटर्न की तरह और उल्टे फंदों को उल्टा बिनते हुए कॉर्नर तक आएंगे यहाँ तक। तो कंप्लीट कर लेते हैं, कॉर्नर पर आ गए हैं। अब हम तीन फंदों का में से दो फंदे जो हैं उन्हें एक साथ बिन देंगे, यानी कि दो फंदों का एक फंदा बना देंगे। लास्ट के फंदे को हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी जो जूती है वो कंप्लीट हो गई, देखिए शेप बन गई है। अब हमें देखिए यहाँ पर हमारे 85 ही स्टिच हैं, 85 फंदे ही हैं टोटल जितने हमने लिए थे, हमारे कोई फंदे नहीं बढ़े हैं और कोई फंदे कम नहीं हुए हैं। 15 हमने यहाँ पर जाली बना ली हैं, 12 जाली थी, तीन जाली में हमने फंदे बढ़ाए हैं राइट साइड से और रॉन्ग साइड से हमने फंदों को घटाया है। तो यहाँ पर 85 फंदे हमारे कंप्लीट है। अब हमें इसके आधे आधे फंदे ले लेने हैं, यानी कि एक सिलाई पे हमें 42 फंदों को सीधा बिनते हुए सेंटर तक पहुँचना है। 42 स्टिच हमको सीधा बिनते हुए सेंटर पर पहुँचना है, तो बिन लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें बिनना है, जो हमारा पैटर्न चल रहा था अब हमें इस रो में उसको नहीं बिनना है। इस रो में हमको 42 स्टिच सीधा बिनते हुए कंप्लीट करना है पहले। अब हम यहाँ पर जूती को ज्वाइन करेंगे सेंटर से, तो हमें यहाँ पर सेंटर तक पहुँचना है सीधा बिनते हुए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सीधा बिन रहे हैं। अब देखिए ये हमारा हम पैटर्न तक, ये जो हमारा सेंटर के जो डिज़ाइन थी वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमें 42 फंदे पूरे करने हैं अपने, तो आपको 85 स्टिच हैं आपके, सेंटर का एक फंदे को आप निकाल देंगे तो 84 फंद आपके स्टिच रह जाएंगे। 84 का आधा आप ले लेंगे तो 42 स्टिच आपके हाफ होंगे उसके, और 42 स्टिच आपको सीधा बिनना है। 84 फंदों का आधा ले लेना है तो 42 फंदे आपके हो जाएंगे, और 42 फंदे सीधे बिनने के बाद आपको सेंटर तक आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा सेंटर का फंदा है और ये हमारा 42वां फंदा हो गया, सेंटर आ गया है हमारा। अब हमारे पास देखिए ये देखिए सेंटर का फंदा है ये, अब हम सेंटर तक पहुंच गए हैं इसके। अब हमारी निडिल पे देखिए 42 फंदे इधर, 42 स्टिच हमारे इस तरफ हैं, और गिन लेते हैं इन फंदों को, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42 स्टिच यहाँ पर हैं हमारे, और 42 स्टिच हमारे इधर इधर हमारे 43 स्टिच होंगे, एक हमारा सेंटर का है फंदा होगा। तो यहाँ पर हमारे पूरे हम 42 स्टिच तक गिन लेंगे। और यहाँ पर हमारे
42 फंदे हो गए। 42 फंदे के बाद एक फंदा हमारा सेंटर का है, अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। निडिल को हमें फोल्ड कर लेना है और यहीं से अब हम ज्वाइन करेंगे। अब हमें आगे की तरफ, अब देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से सलाइयों को फोल्ड कर लिया है 42 फंदे बिनने के बाद, अब हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन कैसे करते हैं, आप चाहे तो पूरे फंदे उतार के सिल लीजिए सुई से, लेकिन हम इसे सुई से नहीं सिलेंगे, यहाँ पर हम नीचे का इसका तीली से ही, यहाँ पर हम सिलाई से ही ज्वाइन करेंगे। तो पहला सेंटर के फंदे को हम उतार लेंगे सिलाई पे। अब देखिए 42 हमारे इस नीडल पे हैं और 42 हमारे दूसरे नीडल पर हैं। अब हम दोनों का एक एक फंदा लेंगे और एक एक फंदे को हम इस तरीके से लेते हुए एक साथ बिन देंगे, दो फंदों को एक साथ बिनेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने दो फंदों को एक साथ बिना। अब जो हमारा इस सेंटर का फंदा है इसे हम क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे, यानी कि गिरा देंगे हम इस फंदे को इस तरीके से। देखिए तो यहाँ पर अब जो हमारे फंदे हैं वो सेम चलेंगे, यानी कि अब हमारे यहाँ पर फंदे कम ज़्यादा नहीं होंगे। एक एक सिलाई का दोनों का फंदा लिया, दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बिना, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। फिर एक एक फंदा दोनों सिलाइयों का लिया, दोनों फंदों को एक साथ बिना, उल्टा ही बिनना है, और पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देंगे। तो हम ये पूरे फंदों को इसी तरीके से उतारेंगे। अगर आप किसी और तरीके से उतारते हैं तो उस तरीके से भी उतार लीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका रहता है और ईजी भी है। तो यहाँ पर हम दोनों फंदों को एक साथ बिन के पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को ले जाते हुए छोड़ देंगे। अब हम पूरे फंदों को उतारते हुए लास्ट फंदे तक पहुँच जाएंगे, यहाँ तक। तो बिन पूरे फंदों को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हमने पूरे फंदे जोड़ लिए हैं और अब हमने इतना ऊन लेके कट कर लिया है जितना हम सिलाई में लेंगे। ये देखिए इस तरीके से जुड़कर आया है, देखिए बिल्कुल बराबर से जुड़ता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने ऊन कट कर लिया है और नीडल में ले लिया है। देखिए जितना भी आपको लगेगा सिलने में उतना आपको ऊन ले लेना है, नीडल में लिया। लास्ट फंदे को हम फिक्स करेंगे इस तरीके से, टाइट कर दीजिए। अब इसको बराबर कर लीजिए, दोनों साइड हमारे जो हैं इनको इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे, एक साथ रख लेंगे, छोटे बड़े ना हो। और आपको अब देखिए यहाँ पर शेप आ जाएगी आपकी एड़ी की। देखिए अब हमें यहाँ पर पहले तो एक नोट लगा देनी है, मतलब यहाँ पर एक गिठा लगा दीजिए ताकि आपका जो सॉक जूती है वो यहाँ पर से होल ना हो, छेद ना हो जाए इस तरीके से। अब हमें निडिल को आगे पीछे लेते हुए सिलना है, जिस तरीके से हम स्वेटर वगैरह सिलते हैं उसी तरीके से लेना है हमको। इसका एक एक फंदा जो लास्ट तक का है वही लेना है, बीच में से हमें ज़्यादा से नहीं सिलना है, वरना जो हमारी जूती है ये छोटी हो जाएगी। तो हम निडिल को आगे से इस तरीके से पीछे से आगे की तरफ निकालेंगे और आराम से सिलेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं सिलेंगे। फिर हम निडिल को पीछे से आगे की तरफ से निकालेंगे तो हमारी ये इस तरीके से एक बहुत ही साफ सिलाई लगती है। इस तरीके से अगर आप सिलेंगे तो एक एक फंदा ही लेना है आपको, लास्ट वाला बिल्कुल आपको ज़्यादा से नहीं लेना है। यहाँ पर सिर्फ जो लास्ट का एक एक फंदा है उसी को आपको सिल देना है इस तरीके से। बराबर रखिए दोनों साइडों को और सिल लेंगे। तो ये हम यहाँ तक सिलेंगे, देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे सिल के, इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सिल लिया है और अब हम इसे सीधा करके देखते हैं। ये देखिए हमारी जो एड़ी की शेप है ये देखिए ये इस तरीके से गोल आई है। तो जब आप इसे पहनेंगे तो ये आपकी एड़ी पे बिल्कुल गोलाई से आएगी, नोक सी नहीं निकलेगी यहाँ पर। और ये हमारा पैटर्न है जो हमने डिज़ाइन डाली है। तो हमारी यहाँ पर देखिए जूती बिल्कुल रेडी है, अभी हमें इसमें हुक लगाना है और बटन लगाना है। अगर आप डोरी लगाना चाहें तो डोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर ये रेडी हो गई है। अब देखिए हम इस पे यहाँ पे एक हुक बनाएंगे और बटन लगाएंगे, जिस तरीके से हम कार्डिगन में हुक और बटन लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आप दोनों ही जूतियों को एक साथ रखिए और अपोजिट डायरेक्शन में बटन लगाइए, यानी कि दोनों के बटन अपोजिट लगेंगे और हुक भी सेम अब अंदर की तरफ बनेंगे। ये देखिए हमने एक पहले से तैयार करी है, तो इसके अंदर आप बराबर से ले लीजिए जहाँ पर आपको पैर पे, अगर आप पहन के देखें तो आप पैर पे पहन के देख लीजिए, और जहाँ पर आपको जहाँ से आपको टाइट करना है वहाँ से आप इस तरीके से बराबर से लेके और क्रोशिया की हेल्प से आपको एक हुक बना लेना है।
यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम एक, पहले हम एक डोरी बनाएंगे, क्रोशिया से ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पर 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1। आप इस हुक को बहुत बड़ा मत बनाइए वरना लूज हो जाएगी आपकी जूती। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये लास्ट का हुक हम बनाएंगे 9। 9 सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पर बनाई हैं। अब हम इसे नेक्स्ट वाले जो हमारा ये है, जो फंदा है, स्टिच है, उसमें हम इसे फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे इसमें। नॉर्मली हम इसे कार्डिगन वगैरह में हुक जैसे बनाते हैं, उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर इतना वो नहीं है, अगर आपको ये नहीं बनाना आता है तो आप डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप इसी तरीके से बनाइए। अब हम इस एक्स्ट्रा ऊन को कट कर देंगे। ये देखिए हुक हमारा तैयार हो गया इस तरीके से एक। अब हम इसके यहाँ पर बराबर से लेते हुए बटन लगाएंगे उस तरफ। मैंने इस तरीके से एक बटन बना रखा है जैसा हम कार्डिगन में बना के लगाते हैं। अब हम देखिए, मैंने 2 बनाए हैं, एक लगा हुआ है पहले से जूती पे और दूसरी जूती जो हमने अभी तैयार की है उस पर हम लगाएंगे। बराबर से ऐसे रख लीजिए और इसे यहाँ पर टाक दीजिए। यहाँ पर हम जैसे बटन टाकते हैं उस तरीके से हम, यह और ये ईजिली इसमें चला जाएगा। आप मत सोचिए कि वो छोटा है तो नहीं जाएगा, वो आराम से इस बटन के अंदर चला जाता है। इससे ये बिल्कुल टाइट रहेगा आपके पैर पे। यहाँ पे देखिए हमने ये फिक्स कर दिया है बटन और हमारी जूती जो है बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जूती है। देखिए दोनों हैं, दोनों अपोजिट लगाइए। देखिए हुक एक तरफ लगेंगे अंदर की तरफ और बटन बाहर की तरफ लगेंगे इस तरीके से। ये देखिए जब आप इसे पहनेंगे तो इस तरीके की लगेगी। अगर आपको ये जूतियाँ अच्छी लगी हों, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।